हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। और आप देख सकते हो मेरी स्टोरी है, सुबह का टाइम, सेकंड सैटरडे, मेरी छुट्टी और ब्रेकफास्ट एज यूजुअल मेरे बन रहे हैं बॉइल्ड एग्स। अभी दिख नहीं रहूँगा आप अंडे, सो हियर आर माय बॉइल्ड एग्स। और साथ में चलेगी चटनी। कल मैं एक मेरे फ्रेंड है, मेरे कलीग हैं जिनके साथ हम लंच करते हैं, मिस्टर सिरोही, तो वो कल लेके आए थे इडली, तो उनकी चटनी इतनी अच्छी थी और वो बच गई, तो मैंने कहा सिरोही जी चटनी मेरे को दे दो, मैं चटनी कल अंडे के साथ खाऊंगा। अब पता नहीं कैसी लगेगी, बट चटनी का टेस्ट बड़ा अच्छा था, तो डेफिनेटली आई वुड बी ट्राइंग चटनी विद माई बॉइल्ड एग्स। कोकोनट चटनी, दैट्स कोकोनट चटनी, टिपिकल साउथ इंडियन चटनी है। और अभी तीन इलादी है रियांश को, क्योंकि रियांश ने कर ली थी पॉटी, और उसको पॉटी करते साथ ही होता है कि नहीं 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 नहीं, तो मैं कहा तुम दोनों जाओ। क्या कर रहे हो? देखो नहीं नहीं चल रही है इसकी, तो मैं इतने करता हूँ अपने अंडे की तैयारी। इति आ जाएगी इसको निला के, फिर आज मुझे दोपहर में कुछ काम है और इति को भी लेकर जाना है डेंटिस्ट के यहाँ इसके दांत तोड़वाने के लिए। और ये है वो चटनी जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड माई एग्स आर ऑल्सो रेडी। फिलहाल मैं चटनी सिर्फ दो अंडों में डाल के देखूंगा, बिकॉज आई डू नॉट नो दी कॉम्बिनेशन कि चटनी के साथ अंडे कैसे रहेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे कुछ हो गया हादसा मैसी और रियांश के बीच में। क्या हादसा करा तुम लोगों ने? रियांश वेरी बैड बेटा, सोने दो उसको। और ये अंडे मुझे खाने पड़ेंगे बाहर बैठ के, क्योंकि मैसी एकदम टूट पड़ती है अंडे देख के, उसकी सूंघते हुए ना आ जाएगी। वैसे तो उम्मीद है वो अभी भी आ जाए, बट शांति से खाने के लिए सोफा इज द बेस्ट प्लेस। चल रहे हो जिम? आज हिम्मत नहीं, मेरी कमर रात के तो ऐसे टेढ़े मेढ़े सुनवा दिए ना मेरे को। अरे चलो थोड़ी देर के लिए, बहुत ज्यादा दर्द है मेरे को। चलो चलो हम जा रहे हैं, फिर वो वेट कर रहा है। चलो रियांश, तो टाइम हो गया है इवनिंग वॉक का, आज चल अब नहीं जा रहे हैं जिम। उनका प्लान था सुबह तक, बट अभी कह रहे हैं मेरे कमर में दर्द है तो ही इज नॉट गोइंग। तो मैं गप्पू और जीनली नीचे जा रहे हैं बस। मेरे बिना ये बिल्कुल नहीं जाता नीचे, मतलब मम्मा शुड बी देयर। और मैसी की वॉक बाद में होगी, मैसी को अभी मैं लेके नहीं आई नीचे। तो चलिए चलते हैं लिफ्ट में, आ गई है लिफ्ट। गो 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 गो। हाँ यहाँ पे तुमने नेल लगाया ना आज अपना। चलो चलते हैं। रियांश को प्ले एरिया में छोड़ के मैं आ गई थी जिम। अभी मैं साइकिलिंग कर रही हूँ, फिर वॉकर करूँगी, और जिम के बाद मेरे को जाना है डेंटिस्ट के, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है रेगुलर चेकअप की। तो अब है शाम का समय, जिम से आने के बाद मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के, मेरे को एक रूटीन चेकअप कराना था अपने टीथ का। टीथ का क्या, इसका इसके दांत में लग गए कीड़े। शट अप, ऐसे मत बोलो, मेरे टीथ बहुत क्लीन रहते हैं, बट स्टिल फॉर अ रूटीन चेकअप आई वांट टू गो वंस। और आज फर्स्ट टाइम हमने ट्राई करा है रियांश को पीछे बिठाना, क्योंकि बहुत पास में ही है डॉक्टर, तो इट्स लाइक अराउंड 4-5 मिनट्स का ही ड्राइव है, तो हमने सोचा चलो इसको बाहर पीछे बिठाते हैं। और ये बहुत बहुत ध्यान से एकदम सीधे में बैठा हुआ है, इसे लग रहा है मम्मा तो है नहीं पीछे, तो मैं बहुत केयरफुली बैठूं, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रहे हो आप? ये दोनों बच्चे स्टैचू बन जाते हैं एकदम। बस फिर बातों बातों में पता ही नहीं चला और डॉक्टर ऑलमोस्ट आ गया, एक ही टर्न रह गया है, हमारे घर से बहुत ही पास था। रियांश का भी अच्छा रहा, सही ठीक ठाक बैठा रहा, बस अब पार्किंग करके जाते हैं डॉक्टर के। बस हो गया है डॉक्टर का काम और अब हम लोग जा रहे हैं घर। मैसी वेट कर रही होगी मेरा, क्योंकि वो बैठी हुई थी और उसको मैं बिल्कुल डोर पे छोड़ के आई थी कि मैं फटाफट से आ रही हूँ, फिर तेरे को वॉक पे लेके जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं घर। तो बस अभी घर पर पहुँचे हम, रियांश लग गया एकदम से ब्लॉग देखने में, और मैसी को
घूमने का टाइम होता 7 बजे का, तो वो वेट कर रही थी बड़ी ईगरली हमारे आने का, तो आते आती अभी ईती लेके गई है उसको मैसी को नीचे। और ईती के जो हमने डेंटिस्ट को दिखाया उसके क्या था, जो आखिरी के 2 दांत थे लाइक नीचे के, आई थिंक राइट साइड, नो हाँ राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड के नीचे के 2 दांत, उनमें एक में कैविटी थी, उसका शक सही निकला। तो 15 मिनट लगे फीलिंग हो गई है उसकी, तो अभी एक आध दिन उसको बोला है कि थोड़ा मतलब आज स्पेशली कि कोई हार्ड चीज च्यू मत करना, तो लिक्विड पे ही आज मोस्ट प्रॉब्ली वो रहेगी। तो बस अभी ईती आएगी, फिर मैं अपना डिनर का कुछ पूछता हूँ कि क्या प्रोग्राम है, क्योंकि 8 बज चुके हैं ऑलरेडी। एंड माई डिनर इज ऑल्सो रेडी, डिनर में अगेन कड़ी और चटनी, सिरोही जी की चटनी रात का डिनर का भी काम कर जाएगी आज। बेबी भी आ गया है, दूसरा बेबी नीचे है, दोनों को चाहिए डिनर। नहीं बेटा मम्मा लाएगी खाना, मम्मा खिलाएगी आज। क्या कर रही है बेबी? दूध पी रही है। दूध आज क्या कर रहे हो तुम? दूध पी रहे हो? रात के रूटीन वर्क निपटा के अब तैयारी है सोने की। डेंटिस्ट के ज्यादा कुछ नहीं है, उन्होंने बोला छोटी सी कैविटी है तो वो निकाल के उन्होंने फिलिंग कर दिया। ओके 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 ओके, यू वांट टू टॉक? तो बस अभी शलभ लेके गए मैसी को नीचे। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। इसका सब दूध बूध हो गया है, दूध बूध हो गया है इसका। मैसी गई है नीचे शलभ के साथ, लास्ट राउंड उसका रात को। हाँ हाँ ओके 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 ओके। तो बस उन दोनों का ही वेट हो रहा है। आई थिंक शलभ और मैसी को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि पता नहीं हो सकता उसको कोई और डॉग मिल जाओ नीचे खेलने में, वो बिजी हो गई। अरे शोर कम करो, मुझे बात तो करने दो। मुझे लग रहा है नीचे कोई और डॉग वगैरह मिल गए होंगे उसको, तो कई बार वो खेलने लगती है और शरफ को टाइम मिल लग जाता है, या फिर हो सकता है कोई मिल जाता है तो बात बात करते हैं। तो चलिए गाइस, मैं शलभ की वेट नहीं कर रही हूँ, मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज इंडियन व्लॉगर रीति एंड शलभ। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।